हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा था ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने दो मॉडल की चर्चा करी थी। कौन कौन सी मॉडल थी भाई साहब? एक मॉडल जी थी आपकी बार्लेंस की, और दूसरा मॉडल था जी डांस हेलिकल का, है ना। इन दोनों मॉडल की हमने चर्चा लास्ट क्लास में की थी। आज क्या पढ़ने वाले हैं जी? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम क्रैमर मॉडल क्या होता है ये जानेंगे, और वेस्टले का मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जी। चलिए तो चलते हैं क्लास की ओर, है ना। आइए जी, देखिएगा तो ये रहा बुक, लेकिन बुक में जाने से पहले हम चलेंगे नोट्स में, क्योंकि नोट्स है तो सब कुछ है। आइए, क्या कहता है? कहता है इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है जी इंटरेक्टिव मॉडल? इंटरेक्टिव मॉडल वो मॉडल होता है जहां हमने ट्रांजेक्शनल में सिर्फ क्या ऐड करनी होती है? टेक्नोलॉजी। क्या हुआ? क्या कैसे 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 सर, क्या बोल रहे हो भाई साहब? ट्रांजेक्शनल क्या था? ट्रांजेक्शनल दो के बीच में था, सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसमें सिर्फ हमें ऐड करनी है टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर मान लो इसी चैनल यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रहे हैं आपको, हम कभी टीवी के थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जी इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। आइए देखिए क्या लिखा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। नहीं जी, बिल्कुल सर। देखिए कह रहा है ऑल ट्रांजेक्शनल फीचर्स प्लस इंक्लूड टेक्नोलॉजी। ये क्या हो गया जी? इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहा है फीडबैक इज लॉन्ग टाइम वे, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये वीडियो जिस दिन आपको पहुंचेगा, और उस वक्त आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या ये वीडियो सही है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? लॉन्ग टाइम लग जा रहा है। नहीं, हाँ जी भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या है? कह रहा मोस्टली यूज इन न्यू मीडिया। न्यू मीडिया मतलब वही टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया नहीं। हाँ जी, अब देखिएगा जी, बात करता है कि इसमें टू मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, एक तो है क्रैमर मॉडल और दूसरा क्या है जी? वेस्टले और मैकलन मॉडल। आइए एक एक करके इन मॉडल्स की चर्चा हम करते हैं। देखिएगा जी, पहला मॉडल जो है वो है क्रैमर मॉडल। क्या बोलता है? ऑल्सो नोन एज कन्वर्जेंस मॉडल। और किस नाम से जानते हैं जिसको? कन्वर्जेंस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। टॉक्स अबाउट फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए ऐसा है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ले कहा गया है क्योंकि इतने लोगों के बीच में कैमरे के सामने बात करना ये आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत लोग नहीं कर पाते। तो जब ये एक्सपीरियंसेस आ जाती हैं, है ना, तो क्या होता है, तब हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसलिए टॉक्स अबाउट क्या बोला? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। कहता है इंटरवल बिटवीन रिप्लाई। मैंने अभी बताया कि मैं ये वीडियो जब डालूंगा तो आप लेट से कमेंट करोगे, तो क्या हुआ? इंटरवल हो गया, टाइम लगा, डिले हो गया जी। हाँ जी, इसलिए क्या बोल रहा है? डिलेड फीडबैक। फीडबैक क्या हो गया? डिलेड हो गया जी। अब देखिए और तीन कॉम्पोनेंट की बात करता है। कौन कौन सा? कहता है टॉक्स अबाउट थ्री कॉम्पोनेंट। क्या क्या जी? पहला है सोर्स, दूसरा है डेस्टिनेशन, और तीसरा है मैसेज। किस सोर्स, किसके थ्रू भेजना है, डेस्टिनेशन कहां भेजना है, और क्या भेजना है जी? मैसेज भेजना है। ये तीन चीजों के बारे में क्रैमर मॉडल ने कहा है। अब आ जाइए जी वेस्टले का क्या बोल रहा है। वेस्टले और मैकलन मॉडल बोला टॉक्स अबाउट ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। क्या कहता है ये कहता है भाई साहब कि बोलता है ये कहता है कि कम्युनिकेशन एनवायरमेंटल, कल्चरल, पर्सनल फैक्टर की वजह से एफेक्ट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, आप जिस एनवायरमेंट में हो ना, कम्युनिकेशन उसी तरीके से होगा। जैसे अगर आप दोस्तों के बीच हो तो उस तरीके की बातचीत हो गए, चल क्या कर रहा, चल 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 निकलते चल, नहीं। और जब आप किसी अच्छे जगह में हो, जैसे प्रोफेशनल जगह में, सर प्लीज प्लीज वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफी और टी, नहीं ऐसे बात करते हैं हम लोग अंग्रेजी में थोड़ा सा अच्छे तरीके से, नहीं। हाँ जी, उसके बाद क्या है जी? कल्चरल। कल्चर टू कल्चर भी डिपेंड करती है कम्युनिकेशन। जैसे हरियाणा के लोग होते हैं, वो हरियाणा में बात करते हैं, थोड़ा सा लगता है यार भाई साहब उनसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, अकड़ के बात करते हैं थोड़ी। हालांकि उनकी लैंग्वेज होती है, बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन बात उनकी ऐसी ही होती है। नहीं तो जी, कल्चर टू कल्चर क्या होता है? कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है ये एनवायरमेंटल, कल्चर और पर्सनल फैक्टर की वजह से भी क्या होता है? कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है।
हाँ जी, तो एक बात है जिसने ये करी, दूसरी बात क्या है जी, दूसरी बात कहता है, ये कहता है फीडबैक देना इस बात पे इंपॉर्टेंस रखता है कि हम कौन हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है और हमारा पर्सपेक्टिव क्या है। देखिएगा, ये तो सच बात है ना कि हम मान लेते हैं किसी सेंडर ने, मैं नहीं, आपको कम्युनिकेशन के बारे में बात बताई, अब आप किस लेवल से उसको समझते हो, किस लेवल से परसीव करते हो, ये तो आपके ऊपर है। और आप जिस लेवल से समझोगे उसी लेवल से क्या करोगे, मुझे फीडबैक दोगे, नहीं कि आपने आपके जितने थॉट्स होंगे, जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग होगी उसी लेवल पे हमें क्या करोगे, फीडबैक दोगे। जी भैया बिल्कुल आप सही कह रहे हो, हम उसी लेवल पे फीडबैक देंगे। आइए जी अब चलते हैं बुक में, देखते हैं बुक क्या कहता है। तो क्या है जी, इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा होगा आपको, हाँ जी दिख रहा है। आइए उसमें से पहला मॉडल क्या है जी, स्क्रैमर मॉडल। देखिए क्या कहता है, कहता है आउट ऑफ ऑल द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सभी मॉडल कम्युनिकेशन में से स्क्रैमर मॉडल इलेबोरेट्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ सेंडर एंड रिसीवर। किस पे ध्यान दिया जी, सेंडर और रिसीवर के इम्पोर्टेंस पे बात करी है, इलेबोरेट किया है इन्होंने। बोला टर्न बाय टर्न, क्या बोला, टर्न मतलब मेरा टर्न फिर आपका टर्न, मेरा टर्न फिर आपका टर्न, वही बोला टर्न बाय टर्न इन द मैसेज, क्या बोल रहा है, टर्न बाय टर्न इन द मैसेज, सेंडर और रिसीवर को टर्न बाय टर्न मैसेज कैसे किया जाए, इसका एलेबोरेशन किसने किया है जी, स्क्रैमर मॉडल ने किया है। हाँ जी कह रहा है, फोर स्क्रैमर कम्युनिकेशन इज अबाउट शेयरिंग इंफॉर्मेशन और हैविंग अ कॉमन एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस, क्या बोल रहा है, साइंस नहीं, साइन साइन सिंबल और साइन वाला साइन नहीं, हाँ जी क्या बोल रहा है, कम्युनिकेशन क्या है, शेयर करना किसको, इंफॉर्मेशन को और कॉमन एटीट्यूड रखना किसके, साइंस के बिहाफ में, नहीं कह रहा है, हिज मॉडल इज बेस्ड ऑन थ्री फंडामेंटल कॉम्पोनेंट, किस किस कॉम्पोनेंट की बात करता है ये जी, कह रहा है अ सोर्स और डेस्टिनेशन एंड अ मैसेज, ये तीनों की बात कौन करता है, स्क्रैमर मॉडल करता है। कहता है द प्रोसेस स्टार्ट्स विद एन आइडिया इन द माइंड ऑफ द सोर्स, समझ में आई जी, हाँ जी भैया समझ में तो आ गई। अब दूसरा जो मॉडल है वेस्ले और मैकलन मॉडल, ये क्या बोल रहा है जी, कह रहा है द मॉडल हाइलाइट्स हाउ आवर कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंटल कल्चरल एंड पर्सनल फैक्टर। देखो क्या बोला अभी मैंने, बोला था कैसे हाइलाइट किया गया जी, कैसे कम्युनिकेशन अफेक्ट हो रहा है, एनवायरमेंटल कल्चरल और पर्सनल फैक्टर की वजह से। हाँ जी कहता द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इज एम्फसाइज्ड हु वी आर, किस बेसिस पे फीडबैक को इंपॉर्टेंस दिया गया जी, कि हम लोग हैं कौन, व्हाट इज आवर बैकग्राउंड, हमारा बैकग्राउंड क्या है, आवर पर्सपेक्टिव क्या है, हमारी पर्सपेक्टिव क्या है, इस बेसिस पर क्या बोलता है, इन्फ्लुएंस व्हाट वी से, इस बेसिस पे इन्फ्लुएंस क्या करता है कि हम लोग क्या कहते हैं, नहीं जी। तो कहता है द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन इज कंसीडर्ड एट ऑल द पॉइंट्स। लीजिए जी ये आपका खत्म हो गया मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। टोटल हमने 8 मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कवर करे हैं, आपको याद होगा सबसे पहले हमने लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कवर करा, नहीं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में हमने क्या करा, हमने देखा कि लीनियर मॉडल वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जिसमें हमने 4 मॉडल कवर करे थे, कौन कौन थे, एक अरिस्टोटल मॉडल, एक सैनन वीवर मॉडल, एक आपका हो गया SMCR मॉडल, नहीं और एक मॉडल हमने कवर करा था, कौन सा मॉडल था जी, सैनन वीवर मॉडल, हाँ ये मॉडल थे शायद, एक बार ही देख लेते हैं कौन सा वो मॉडल था जी, ये देखिए आपके, हाँ बर्लो का SMCR मॉडल, अरिस्टोटल मॉडल और सैनन वीवर मॉडल और कौन सा जी, लॉसवेल का मॉडल, ये देखिए 4 मॉडल हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। उसके बाद 2 मॉडल और हमने क्या किया, इंटरैक्टिव मॉडल में 2 मॉडल किए, कौन सा, एक स्क्रैमर और एक वेस्ले। इस इंटरैक्टिव मॉडल क्या हुआ था, इसकी भी चर्चा हमने कर रखी थी कि जब टेक्नोलॉजी प्लस ट्रांजेक्शनल मॉडल इंक्लूड हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरैक्टिव मॉडल। और लास्ट जो मॉडल था वो हमारा था ट्रांजेक्शनल, जिसका मतलब क्या था, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मतलब 2 लोगों के बीच की बातचीत, यानी कि 2 वी पॉइंट की बातचीत, जैसे सेंडर और रिसीवर कोई भी हो उसकी बातचीत को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। लीजिए जी ये थी हमारी पूरी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन,
उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया है कुछ भी तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर आपको शो रहा होगा, फर्स्ट जब मैं इंट्रोडक्शन देता हूं उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है, हम उम्मीद करेंगे और हम आपको फिर से उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।